हेलो व्यूअर्स, आज की कहानी है नमक। लिखी है रजिया सज्जाद जहीर ने। कहानी का सार मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले कहानी का परिचय दे देते हैं। इस कहानी में भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित पुनर्वासित व्यक्तियों की भावनाओं का मार्मिक वर्णन किया गया है। यानी जब भारत पाक का विभाजन हो गया था तो दोनों देशों में बहुत सारे लोगों के अपने स्थान छिन गए थे। उन सब की जो भावनाएं थी वो अपने अपने स्थानों से जुड़ी हुई थी, अपने अपने घरों से जुड़ी हुई थी। भारत के लोगों को अपना देश छोड़ करके पाकिस्तान जाना पड़ गया था और पाकिस्तान के जो लोग थे उन्हें वापस भारत में आना पड़ा था। विस्थापित होकर भारत में रह रही सिख बीबी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती हैं। यानी जब वो उस समय पर सिख बीबी विस्थापित हो गई थी, उनका घर छूट गया था, वो आज भी लाहौर को ही अपना घर मानती हैं और सौगात के रूप में लाहौर का नमक उन्हें याद आता है और वो चाहती हैं कि उन्हें लाहौर का नमक मिल जाए। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन बताता है। जो कस्टम अधिकारी पाकिस्तान में रहता है वो आज भी दिल्ली को अपना घर और अपना देश बताता है। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को अपना वतन कहता है। राजनीतिक यथार्थ के आधार पर भले ही अब इनका वतन बदल गया है किंतु इनका हृदय क्रमशः लाहौर, दिल्ली और ढाका से जुड़ा हुआ है। यानी तीनों जो व्यक्ति हैं वो अपने अपने देश दूसरे देशों को बता रहे हैं, जबकि यथार्थ के आधार पर उनका देश जो है वो बदल गया है। अपने जन्म स्थानों से विस्थापित ये लोग हृदय के स्तर पर अपने मूल स्थान को भुला नहीं पाए हैं। यानी उनके हृदय में उनका जहाँ जन्म हुआ था वो स्थान वो अभी भी नहीं भूल पाए हैं। सही कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च जननी और जन्मभूमि हमें स्वर्ग से भी अच्छी लगती हैं। यानी हमारा जहाँ जन्म हुआ है वह स्थान हमें स्वर्ग से भी अच्छा लगता है। यही कहानी तीनों व्यक्तियों की इस नमक कहानी में बताई गई है। अपने जन्म स्थान से जब ये अलग हो गए थे तो एक लेखिका जो है उसके बारे में ये कहती हैं कि राजनीतिक सीमाएं एक दिन बेमानी हो जाएंगी। यानी देश की जो राजनीतिक सीमाएं हैं उनका किसी के लिए कोई मीनिंग नहीं रहेगा। इस प्रकार की आशा जो है वो तीनों ही राष्ट्र जो हैं, तीनों राष्ट्र जो इसमें बताए हैं, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तीनों के हितों में है कि लोग राजनीतिक सीमाओं को ना माने और अपने अपने स्थानों के प्रति अपना जुड़ाव रखें। सफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के घर कीर्तन में गई थी, जहां एक सिख बीवी को देखकर उसे अपनी माँ का स्मरण हो आया, क्योंकि वह स्त्री उसकी माँ की हमशक्ल थी। सफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीवी ने भी उसके विषय में जानकारी करनी चाहिए। घर की बहू ने बताया कि सफिया मुसलमान है जिसके भाई लाहौर में रहते हैं, यह उनसे मिलने कल लाहौर जा रही है। सिख बीबी ने बताया कि उसका वतन भी लाहौर है और उसे वहाँ के व्यक्ति, वहाँ का खाना, वहाँ का पहनावा, सैर सपाटे और जिंदा दिली आज भी याद आती है। लाहौर की याद में सिख बीबी की आंखों में आंसू निकल आते हैं। सफिया ने सांत्वना देने की दृष्टि से पूछा कि क्या आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहेंगी। इसके उत्तर में बीबी ने थोड़े से नमक की इच्छा उसको अपनी बता दी कि वह चाहती है कि उसे लाहौर का नमक मिल जाए भेंट के तौर पर, सौगात के तौर पर। सफिया लाहौर में 15 दिन रुकी। सफिया की इतनी खातिरदारी हुई, इतना प्यार मिला कि उसे पता ही नहीं चला कि कैसे 15 दिन बीत गए। उसे मित्रों, उसके शुभचिंतक थे, संबंधियों ने ढेर सारे उपहार दिए। उसने सिख बीबी के लिए भी एक शेर, एक किलो से थोड़ा कम होता है, नमक ले लिया और सामान की पैकिंग चल रही थी। पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी है, अतः सफिया ने इस सौगात को ले जाने के संबंध में अपने भाई से बात की जो एक बड़ा पुलिस अफसर था। सफिया के पूछने पर भाई ने बताया कि नमक ले जाना गैर कानूनी है और कस्टम वाले आपके सामान की तलाशी लेंगे, वैसे भी भारत में नमक की कोई कमी तो है नहीं। सफिया ने बताया, माँ की हमशक्ल एक सिख बीबी ने नमक मंगवाया है और यह मैं सौगात के तौर पर ले जाना चाहती हूँ।
भाई ने तर्क किया। सफिया ने कहा, मैं इसे चोरी छिपे नहीं अपितु दिखा कर के ले जाना चाहती हूँ। सफिया ने प्रेम, आत्मीयत व शालीनता को कानून से ऊपर माना और नमक ले जाने की अपनी इच्छा बताई। भाई के यह कहने पर कि आप नमक नहीं ले जा पाएंगी, बदनामी अवश्य होगी, क्रोध की अधिकता में सफिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सफिया ने रात को सामान की पैकिंग की, सामान सूटकेस और विस्तरबंद में आ गई। शेष रह गई किन्नू, यानी संतरा या माल्टा जो होता है उस तरह का एक फल होता है, उसकी एक टोकरी और नमक की पुड़िया। सफिया ने नमक की पुड़िया किन्नू की टोकरी के नीचे छिपा दी। उसने लाहौर आते समय देखा था कि भारत से जाने वाले केला लेकर के जा रहे थे और पाकिस्तान से आने वाले किन्नू ला रहे थे। कस्टम वाले इन फलों की जांच नहीं कर रहे थे और उसे यह विश्वास था कि इस प्रकार नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा, और नमक को किन्नू की टोकरी में छिपा दिया गया। सामान की पैकिंग के बाद साफिया सो गई। वह लाहौर के सौंदर्य और यहाँ के परिवेश, भाई, मित्र और संबंधियों के सपने देख रही थी। उसे भतीजियों की भोली भाली बातें याद आ रही थी। कल चले जाने और फिर कब आने या ना आने पाने की चिंता भी उसके मन में बनी हुई थी। सिख बीबी और उसकी आंख से निकले आंसू, इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, उसे सभी दिखाई दे रहे थे। अचानक उसकी आँख खुल जाती है क्योंकि नींद में उसका पैर किन्नू की टोकरी पर जा पड़ा था, जिसको देते समय उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। फर्स्ट क्लास की वेटिंग रूम में बैठी साफिया सोचती है, आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ उसे पता है कि किन्नू की टोकरी में नमक की पुड़िया रखी हुई है। जब उसका सामान जाँच के लिए कस्टम वाले के पास जाने लगा तो साफिया को हल्का सा कंपन हुआ। उसने तय किया कि प्रेम की सौगात चोरी से नहीं ली जाएगी, अतः उसने नमक की पुड़िया निकालकर बैग में रख ली। जब सामान जांच के बाद रेल की ओर चला तो उसने एक कस्टम अधिकारी को अपनी समस्या बता दी। समस्या से पहले साफिया ने पूछ लिया था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अधिकारी ने अपना वतन दिल्ली बताया था। इसी आधार पर साफिया की हिम्मत बढ़ गई और उसने हैंडबैग से पुड़िया निकालकर मेज पर रख दी। साफिया ने सारी कहानी बता दी। कस्टम अधिकारी ने स्वयं अपने हाथ से पुड़िया बैग में रख दी। जब साफिया चलने लगी तो उसने कहा, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। सफिया से अंत में कस्टम अधिकारी ने कहा, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। गाड़ी भारत की ओर बढ़ रही थी। अटारी में पाकिस्तान पुलिस उतर गई, हिंदुस्तान पुलिस सवार हुई। साफिया सोचती रही, एक जबान, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहजा और एक सा अंदाज, फिर भी दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकें क्यों? अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जाँच उनके डब्बे के सामने ही कर रहे थे। रफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। साफिया ने अपना हैंडबैग खोलकर पुड़िया निकाली और कस्टम अधिकारी से कहा, मेरे पास थोड़ा सा नमक है। साफिया ने अधिकारी को सब कुछ बता दिया। अधिकारी ने साफिया की बात गौर से सुनी और साफिया के सामान का ध्यान रखते हुए निर्देश दिया कि इधर आइए जरा। अधिकारी साफिया को प्लेटफॉर्म के कमरे में ले गया, सामान से बिठाया, चाय पिलाई और फिर एक किताब दिखाई जिसके ऊपर लिखा था, शमसुल सलाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। साफिया के पूछने पर सुनील दास गुप्त ने बड़े गर्व से कहा, मेरा वतन ढाका है। बचपन में हम नजरुल और टैगोर दोनों को ही पढ़ते थे। विभाजन से पहले वर्ष पढ़ने वाली मेरी सालगिरह पर मेरे मित्र ने मुझे यह किताब दी थी। सुनील दास गुप्त ढाका की याद में खो गया और कहने लगा, वैसे तो डाब कोलकाता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है,
पर हमारे यहाँ के डाब की बात ही क्या है, हमारी ज़मीन हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। और पुड़िया सफ़िया के बैग में रखकर आगे आगे चलने लगा और पीछे पीछे साफिया चलने लगी। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास सुनील दास गुप्त सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोच रही थी कि इसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ।